क्वेश्चन ये है कि दो आइस स्केटर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। फर्स्ट स्केटर का मास 50 kg है और वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अगेन सेकेंड स्केटर का मास 40 kg है और वो 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। दोनों कोलाइड करते हैं और दोनों चिपक जाते हैं। तो फाइंड करना है कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ये गिवन है कि फ्रिक्शन अब्सेंट है, ठीक है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, ठीक है। वी हैव इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग एक्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग एक्स, ठीक है। तो हम एस वन और एस टू दोनों स्केटर्स का इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस के लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो एस टू है वो वाई एक्सिस के लोग मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस के लोग 0 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, और इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस के लोग 0 हो जाएगा, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ओरिजिन पर दोनों कोलाइड करते हैं और स्टिक कर जाते हैं, और स्टिक करने के बाद दोनों इस तरफ भी वेलोसिटी से मूव करते हैं, सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। सो वी हैव फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इक्वल टू टोटल मास दैट इज 50 + 40 इंटू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तुम देख सकते हैं कि वी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग वी कॉस थीटा है, तो जाएगा वी कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट वी कॉस थीटा इज इक्वल टू 100/90, दैट इज 10/9, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। सो वी हैव इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगेन पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग एस वन का इनिशियल मोमेंटम 0 है, क्योंकि एस वन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो 0 हो जाएगा। प्लस एस टू का मोमेंटम पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग 40 × 2.5, दैट इज 40 × 5/2 के इक्वल है। दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। तो अगेन सिस्टम का टोटल मास 50 + 40 kg के इक्वल हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, और सिस्टम की वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग इस तरफ भी साइन थीटा के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। सो अगेन दिस इंप्लाई दैट बी साइन थीटा इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 100/90, दैट इज अगेन 10/9, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, ठीक है। स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं तो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 10/9 स्क्वायर प्लस 10/9 स्क्वायर। सो दिस इंप्लाई दैट बी इज इक्वल टू √2 × 10/9, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।